ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और दूसरी बात, बिल्कुल बेहद का वैराग्य ना, जो कहा कि अब अंधे बहरे और गूंगे बने, बहुत देख लिया, बहुत सुन लिया, बहुत बोल लिया, अब तो इन आँखों से हम बाबा को ही देखें, इन आँखों से आत्मा दिखाई दे, इन आँखों से फरिश्ते दिखाई दे, इन आँखों से तीनों लोक दिखाई दे, इन आँखों से पूरा सृष्टि चक्र दिखाई दे, इन आँखों से अब ये दिखाई दे। बाबा ने हमें तीसरा नेत्र दिया है, अब देखो सारे दिन में हम इस तीसरे नेत्र का कितना प्रयोग करते हैं। इन आँखों से बहुत देखा, अब इन आँख से देखना है। इस कान से हमने दुनियावी बहुत सुनी बातें, अब इन कानों में केवल भगवान के महावाक्य अनहद नाद की तरह गूंजते रहें। लोगों की बातें हमें याद रहती हैं, भगवान ने क्या कहा वो कितना याद रहता है, आज बाबा ने क्या कहा, कल क्या कहा, बाबा के एक एक महावाक्य हमारे जीवन को बदलने वाले हैं, मूल्यवान बनाने वाले हैं, हमें देवतुल्य बनाने वाले हैं। उन महावाक्यों का कितना अनहद नाद मेरे अंदर चलता है, क्योंकि जो देखेंगे जो सुनेंगे वही मन बुद्धि को ले जाएगा जहाँ ले जाना है। जो देखता है व्यक्ति, जो सुनता है, उसी के आधार पे मन में विचार चलते हैं। अब यदि मैं टेलीविज़न देखती हूँ, उसमें मैं लड़ाई झगड़े देख रही हूँ, उसमें मैं नाच गाना देख रही हूँ, तब जब योग में बैठेंगे तो क्या होगा, जो बहन जी वहाँ नाच रही थी वो फिर यहाँ योग में नाचने लगेंगी, है ना, होगा या नहीं होगा। तो ऐसी चीजें क्यों देखें, ऐसी चीजें क्यों सुने, डिस्टर्ब करे। अब तो हमें मन मनाभाव होना है, इसलिए अपने आप को समेटें। चलना है ना, वापस चलना है ना। बाबा कहते हैं अचानक और एवर रेडी का पाठ पक्का कर लो। तैयार हैं सभी कानपुर के भाई बहने, बाबा कहें चलो बच्चे तो तैयार हैं, तैयार है, कौन कौन तैयार है, अरे वाह क्या बात है, विद्या दीदी लगभग आपकी पूरी क्लास पास।